नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 12 लाख रुपए 77 किलो अवैध गांजे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ में अवैध गांजा कोतवाली लालगंज क्षेत्र में स्वाट टीम व कोतवाली लालगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रोहित मिश्रा प्रतापगढ़ द्वारा दी गई जानकारी। प्रतापगढ़ जिला ब्यूरो अवनीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आइए, थाना लालगंज क्षेत्र में आज सुबह लगभग 80 किलो के गांजा बरामद हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और उससे पूछताछ की जा रही है। इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज क्या है और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।